रंगों के त्यौहार होली में एक दूसरे को गुलाल लगाने के चक्कर में अक्सर लोग चोटिल हो जाते हैं। ऐसे में किसी की आंख में तो किसी की नाक में रासायनिक रंग चला जाता है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें होती हैं। वहीं अक्सर युवा नशे की हालत में रफ ड्राइविंग करके दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में गोरखपुर का ज़िला चिकित्सालय पूरी तैयारियाँ कर चुका है। आर्थो इमरजेंसी सहित अन्य वार्डों में घायलों के लिए बेड को आरक्षित किया गया है। वहीं डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है, ताकि ज़िले में किसी भी घायल व चोटिल को ज़िला अस्पताल में दवाइयां और उपचार समय से मिल सके। ज़िला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि ज़िला चिकित्सालय में इमरजेंसी में 20 वार्ड और अन्य वार्डों के भी 20 बेड और आरक्षित किए गए हैं। चिकित्सकों की ड्यूटी एक्स्ट्रा लगाई गई है। इसके अलावा भी डॉक्टरों को स्टैंड बाय में लगाया गया है। दवाओं की व्यवस्था पूरी पर्याप्त मात्रा में की गई है। खासकर आंखों से संबंधित दवाइयां रखी गई हैं। चेहरे पर लगाने की दवा और जीवन रक्षक दवाओं की पूरी व्यवस्था की गई है। अन्य स्टाफों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इमरजेंसी समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए ज़िला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, निकी देवी संतोष तिवारी और राम यश गोरखनाथ गोरखपुर इमरजेंसी में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, 20 बेड, 10 बेड इमरजेंसी में, 10 बेड उसके बगल के वार्ड में, और समस्त इमरजेंसी के स्टाफ्स को अलर्ट कर दिया गया है। आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। अलग से एक रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है, डॉक्टरों को स्टैंड बाई टीम बनाई गई है 2 दिनों के लिए, जो किसी भी आकस्मिकता पड़ने पर विभिन्न विभागों के चिकित्सा अधिकारी हैं वो तुरंत अवेलेबल होंगे, अगर ज़्यादा संख्या में अगर मरीज रोगी आ जाते हैं तो। इमरजेंसी में कितने स्ट्रेचर और एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है? एम्बुलेंस तो 108 से मरीज आते हैं, और स्ट्रेचर वगैरह की पर्याप्त मात्रा में, स्ट्रेचर और व्हील चेयर की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है।